नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच होली के त्यौहार को लेकर सरकार एक बार फिर से सतर्क हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के सरकार एक बार फिर से सख्ती बरतने वाली है। कई तरीके के गाइडलाइंस अब तक जारी कर दिए जा चुके हैं जिसका आपको पालन करना होगा। और कोरोना के बीच अब होली में कोई भी मिलन समारोह नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिलन समारोह में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं जिससे कि कोरोना फैलने का खतरा और भी ज्यादा हो सकता है। इसको लेकर के सरकार क्या क्या सुरक्षा प्रदान करेगी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। होली पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन और इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने इसको लेकर बुधवार को संयुक्त आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही होली को देखते हुए जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस वर्ष होली 29 मार्च और 30 मार्च को मनाई जाएंगी, वहीं 28 मार्च को रात्रि में होलिका दहन होना है। इस वर्ष होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन मनाया जाएगा। अपने संयुक्त आदेश में डीएम ने कहा है कि लोग शांति सद्भावना के साथ होली का पर्व आयोजन करें। उन्होंने सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष को शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अपने आदेश में डीएम ने अधिकारियों को कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए होली में सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के मिलन समारोह आयोजित नहीं करने के संबंधित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इस अवसर पर शराबबंदी अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है। इसके लिए सहायक आयुक्त उत्पाद, एसडीओ, डीएसपी, वीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र में पूरी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जिले के संबंधित अनुमंडल की विधि व्यवस्था के प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। इस अवसर पर नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष टेलीफोन नंबर 2219810 और 2219234 है। पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर डायल है 100। हेल्पलाइन नंबर 9470001389 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष पदस्थापित रहेंगे। चिकित्सीय इमरजेंसी पालन के तहत सिविल सर्जन को चिकित्सा दल और आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि सरकार ने सुरक्षा को लेकर के कई पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि होली का पर्व है। होली के पर्व में अगर शराब की भी बात की जाए तो शराब जिस तरीके से बिकेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शराब पी के नज़र आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ आपको मिलन समारोह नहीं करना है, क्योंकि उससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की खतरा ज़्यादा हो सकता है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।